अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी यानी जहाँ पे आपके और आपके हस्बैंड की दोनों की पूरी जांचें होने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी यूट्रस नॉर्मल है, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल है, आपकी अंडकोश में आपके अंडे अच्छे से बन रहे हैं, टाइमली ओव्यूलेट हो रहे हैं, सीमेन काउंट भी अच्छा है, और आपने जो है लंबे समय तक घर पे नॉर्मल तरीकों से कोशिश की है, पर उसके बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो इस केस के अंदर जो है डॉक्टर्स आपके लिए जो है एक बैटरी ऑफ टेस्ट यानी जो फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के लिए जो टेस्ट होते हैं ये सारे करते हैं, ये समझने के लिए कि जितने भी ये चीज़ें जो हमें नेसेसरी होती है एक प्रेगनेंसी के लिए, ये आपकी फंक्शनिंग है या नहीं है। अगर ये सारे टेस्ट करने के बाद यानी आपकी ओवुलेशन स्टडी के बाद, आपकी फेलोपियन ट्यूब असेसमेंट यानी हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी के बाद, आपके यूट्रस की इवैल्यूएशन के बाद सोनोग्राफी के थ्रू और आपके सीमेन एनालिसिस के बाद अगर कोई भी रीज़न नहीं पता कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बट इंस्पाइट ऑफ इट आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी क्यों होती है? जब सामान्य तरीके से अगर हमने सारी चीज़ें आपकी जांच कर ली है जो हम बेसिक इवैल्यूएशन बोल रहे हैं, अगर उसके बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो आप भी कई बार जाके डॉक्टर से ये पूछते होंगे कि मैम सब कुछ अच्छा है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक पा रही है? यानी इसके अंदर हम आपकी एज फैक्टर भी ले लेते हैं, यानी अगर आपकी एज भी नॉर्मल है, लेस देन 35 है, और आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, फिर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो उसका मतलब है कि अब टाइम आ गया है ये समझने के लिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो कॉजेज़ होते हैं या फिर जो रीजंस होते हैं इसके पीछे, एक होता है कि हो सकता है कि आपकी जो ओवरी जहाँ पर स्थित हो और जो कनेक्शन उसके साथ जो फेलोपियन ट्यूब का होता है यानी जो एनाटॉमी हम बोलते हैं, हो सकता है वो ट्यूब ओवरी रिलेशन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हो सकता है वहाँ पर थोड़े से एडिशंस बने हो, या फिर हो सकता है कि वो ट्यूब का नीचे का भाग जो फिम्ब्रिया हम बोलते हैं वो उतने अच्छे हेल्दी नहीं हो, वो थोड़े से जो है कड़क हो गए हो या फिर वो ऐसे थोड़े से इन्फ्लेम्ड हो गए हो, जिसकी वजह से जो पिकअप मैकेनिज्म होता है जो एक आपके अंडाणु में जो फॉलिकल रहता है वो रप्चर होकर जो एग रिलीज करता है वो शायद वो पिकअप मैकेनिज्म बराबर से हो नहीं पा रहा है। हो सकता है कि एग आराम से जा पा रहा है ट्यूब में बट हो सकता है कि स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि एग और स्पर्म जो है ये आपस में नहीं मिल पाते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन फेलियर बोलते हैं, या फिर आपका बेबी बन रहा है पर बाय द टाइम वो बेबी बन के यूट्रस में जो फिफ्थ डे पे जो ब्लास्टोसिस स्टेज पे आके अंदर इम्प्लांट होना चाहिए वो या तो फिर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है या डीजनरेट हो रहा है, या फिर वो वहाँ तक पहुँच पा रहा है बट आपका इम्प्लांटेशन विंडो जो है वो बिगड़ा हुआ है या वो करेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आपका एम्ब्रियो वहाँ पे स्टिक नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए। तो नॉर्मली जब ऐसे केसेस होते हैं हम प्लान करते हैं कि हम IUI से स्टार्ट करते हैं, जो एक बेसिक प्रोसीजर होता है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। बट अगर 2-3 IUI के बाद भी अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो अब टाइम है कि हमें आपके लिए IVF प्लान करना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन में या अपने एम्ब्रियो ब्रीडिंग में या हमारे इम्प्लांटेशन में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। तो जब भी ऐसा केस होता है कि जब हमें सब कुछ नॉर्मल दिखता है पर हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है, तब एक्चुअली आपको जो है फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यानी जो भी IVF स्पेशलिस्ट होते हैं जो इनके संबंधित सारी जानकारी आपको दे सकते हैं उनके पास आपका जाना ज़रूरी होता है। कई बार हम एडवांस टेस्ट लाइक स्पर्म DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स भी करके देखते हैं, बिकॉज कई बार होता है स्पर्म्स हमें नॉर्मल दिख रहे होते हैं माइक्रोस्कोप पे बट अंदर से हो सकते हैं कि फ्रैगमेंटेड DNAs हो और उसकी वजह से आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं बन रहा हो। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको जो है जब भी ऐसा केस हो कि सब कुछ नॉर्मल है पर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, यू शुड बुक एन अपॉइंटमेंट विद द फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आपको इसका ओपिनियन लेना चाहिए।